गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग लाइट का ये अगला वीडियो है। आई थिंक ये 12th वीडियो होगा जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और लेंस के थ्रू जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे उसमें कुछ कुछ पोर्शन बच गया था, वो हम आगे की तरफ अब करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो एग्जांपल से देखते हैं। बेसिकली वो बेस्ड है आपको लेंस मेकर फार्मूला पे। सपोज दिस इज एग्जांपल नंबर वन। मुझसे बोला गया कि इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ठीक है। सपोज उसका सेंटर यहाँ पे है C2, इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। और सपोज इट इज़ गिवन कि इसका जो R1 है वो है आपको ले लीजिए कुछ भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो है R2 जो है ले लीजिए 30 सेंटीमीटर, चलिए ये ले लीजिए, ठीक। और इसके अंदर जो मटेरियल जो फिल्ड है इसका ये म्यू है, ठीक। अगर हमसे पूछा गया इसका इस वाले लेंस का, ये बाईफोकल नहीं है, ये बाईकन्वेक्स लेंस नहीं है, ये बाईकन्वेक्स नहीं है, अलग अलग रेडियस का है इसलिए बाईकन्वेक्स नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि 1/f = μ-1, दिस इज एयर, ये यहाँ पे ये सराउंडिंग में एयर है। जब तक हम कुछ ना बताएं आपको यही समझना है कि ये एयर है, ठीक है। दैट इज 1/r1 - 1/r2। सो इफ वी फाइंड कि 1/f = μ, म्यू कितना है, सपोज म्यू आपका दिया हुआ है 1.5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.5 - 1 एंड 1/r1। नाउ R1 इज हाउ मच, R1 इज दिस 20, और वो किस साइड में है, अगर जनरली ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में, तो इधर से अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कि R1 पॉजिटिव है और R2 क्या है, नेगेटिव है। तो इफ़ वी पुट R1 to be 20 एंड -R2 to be negative, दैट इज -30, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका कितना, 1/f, दैट इज 0.5, दैट इज 1/20 माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक है। सो जस्ट फाइंड इट, दैट इज 0.5 × 30 प्लस 20, या फिर ऐसा करिए 60 ले लीजिए, 20, 23 जा और प्लस 32 जा दिस वन, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट जस्ट f, अब f आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f वुड बी 60 upon 0.5 × 5, इज दिस ओके। सो दिस 5 इज व्हाट, 12×5 = 60, और ये f कितना हो गया, ये 0.5 है, तो अगर देखोगे तो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर प्लस, ये हो गया इस वाले लेंस का फोकल लेंथ, निकाल लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बाई कन्वेक्स ही दिया रहे जिसमें रेडियस इक्वल हो, ऐसा भी दे सकता है और पूछ सकता है फोकल लेंथ, हालांकि आपके 10th स्टैंडर्ड में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट ओलंपियाड वगैरह में शायद पूछा जा सकता है, ये लिख लीजिए इसको। ओके, नाउ चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। सपोज एग्जांपल नंबर 2, अगर इसी में अगर इस का दिया हुआ है ऐसा, और दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, इसका सेंटर इस साइड होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है। सो दिस सपोज R1 इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज C2, दिस R2 इज व्हाट 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, और यहाँ जो मटेरियल भरा हुआ है उसका जो म्यू है वो 1.5 है। अब इसका निकालना पड़े हमको कि फोकल लेंथ क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, दैट इज 1.5 माइनस, उसी फार्मूला में रखेंगे 1/r1। अब यहाँ देखिए R1 उस साइड में है, जनरली ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे निकला तो ये पॉजिटिव और वो निगेटिव, तो R1 क्या है, निगेटिव, दैट इज 20 माइनस और माइनस 1/r2, R2 पॉजिटिव है, तो 1/+30, ओके। नाउ कैलकुलेट इट, सो 1/f = 0.5 एंड दैट इज 60, दैट इज -3 और -2, ओके। सो f यू कैन कैलकुलेट,
दैट इज 60. आई थिंक टेक माइनस आउटसाइड 0.5 इंटू 5. आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये अगेन आ जाएगा -24 सेंटीमीटर. तो इस वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो -24 सेंटीमीटर है. देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं. अच्छा बच्चों, आपको एक बात पता है कि स्ट्रेट लाइन का या फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होता है. हम आपको बता चुके हैं ये, ठीक है. तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं. सपोज वी हैव अ प्लानो कन्वेक्स लेंस और इसका हमसे पूछ लिया गया कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है. इसका सी यहाँ पे है और मान लीजिए रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है और जो इसमें मटेरियल भरा हुआ है उसका जो म्यू है वो है 1.5, ठीक है. तो आर टू कितना होगा? तो आर टू इन्फिनिटी होगा. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, वो एक फ्लैट सरफेस है. इज दिस ओके? ये बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें आपको. तो यहाँ पे अब जनरली ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं तो इंसिडेंट गया तो उधर वाला क्या होगा? पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव. तो यानी कि इसमें गिवन क्या क्या चीज़ है? गिवन है R1 जो है वो है +20 सेंटीमीटर और R2 जो है वो क्या है? इन्फिनिटी. नाउ पुट इन द इक्वेशन 1/F इज इक्वल टू म्यू -1 इज इक्वल टू 1/R1 -1/R2. सो इफ यू पुट इट 1/F इज इक्वल टू 1.5 -1 दैट इज 1/20 और -1/∞ एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज वॉट? 0. सो दिस F वुड बी इक्वल टू वॉट? दैट इज 20/0.5 दैट इज +40 सेंटीमीटर. ये सो इस प्लानो कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या है? 40 सेंटीमीटर. अब चाहे इसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, सपोज इसमें अगर ये भी दिया रहता कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? सपोज ऐसा पूछ लिया गया हमसे तो इसका फोकल लेंथ कितना निकल गया? प्लस निकालना पड़ेगा आपको फोकल लेंथ, तभी आएगा 40 सेंटीमीटर. अब क्या हम लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं, लेंस फॉर्मूला? बिल्कुल लगा सकते हैं, बेफिक्र होकर लगाइए आप, ठीक है. तो वो कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ आपको. पहले इसको लिख लीजिए पॉज करके. चलिए अब अगर आ गई तो जो काम यहाँ कर रहे हैं वो पिछले दो क्वेश्चन में भी कर सकते थे कि अगर ऑब्जेक्ट दिया रहता कहीं पे और पूछता इमेज कहाँ निकाल रहे हैं तो उस क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते जैसे हम अभी कर रहे हैं. तो इसमें यू कितना है? -30 सेंटीमीटर, ठीक है. एफ कितना है? तो +40 सेंटीमीटर, ठीक है. अब हमको पता है रिलेशन क्या है, 1/V -1/U इज इक्वल टू 1/F. सो दिस इज 1/V -30 इज इक्वल टू 1/40. ओके, जस्ट सॉल्व इट. 1/V इज इक्वल टू 1/40 और -1/30. सो इट वुड बी 1/V इज इक्वल टू 120, 40 थिया 30 चौका. यस, सो दिस इज 1/V इज इक्वल टू -1 1/40. हाँ ठीक तो है. तो आगे -1/120. सो v इज गुड वट? -120 सेंटीमीटर. ओ, इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा को मैं बताता हूँ आपको. यानी क्या है, 120 है ना, सही है ना, 120. हाँ ठीक. तो इसका कैसा आएगा? ये इंसिडेंट है और इसका यहाँ कहीं ना कहीं बनेगा इमेज. ये है आई. दिस इज वट? 120 सेंटीमीटर. क्यों लिया ऐसा? क्योंकि वी माइनस आया है, मुझे पता चल गया था कि इसके 30 है तो कहीं ना कहीं पीछे ही 120 होगा. तो हम पहले इमेज बना ली फिर ट्रेस कर दिए इसको. ये यहीं से ट्रेस होके आया है और एक रे ऐसा जाएगा और यहाँ एक पॉइंट साइज इमेज बन जाएगा. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो पॉइंट इमेज ही बनता है. तो इसको आप लिख लीजिए. तो ये सब बुद्धि से आता है. आप जैसे जैसे सवालों को मैनिपुलेट करेंगे आपको ये सारा आता जाएगा. लिख लीजिए.
चलिए अब हम क्या करते हैं, इस लेंस को पलट देते हैं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इस लेंस को ऐसे पलट दें, एग्जांपल नंबर चार, नंबर ऑफ क्वेश्चन आई कैन मेक इट, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है, बट वही बताएंगे जो आपको जरूरत है। सपोज दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड सरफेस, और इसका जो रेडियस है वो यहां कहीं ना सी टू है और ये है 20, मैंने उसी को बस पलट दिया है, ठीक है। तो देखते हैं फोकल लेंथ क्या आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रहेगा तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे गिवन गिवन u इज इक्वल टू सॉरी r1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड r2 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। नाउ पुट इट इन द इक्वेशन, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। नाउ पुट 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस 20, सो इट वुड अगेन कम 1 अपॉन f और इट इज 0.5, और ये तो जीरो हो गया, दैट इज 1 अपॉन 20, सो f वुड बी व्हाट, प्लस 20 अपॉन 0.5, सो इट इज 40 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ अब भी उतना ही आया है, यही हम पहले भी कहना चाह रहे थे कि इस प्लानो कन्वेक्स लेंस को चाहे उल्टा रखिए चाहे सीधा रखिए, चाहे ऐसे रखिए चाहे पलट के रखिए, फोकल लेंथ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और इमेज फॉर्मेशन वैसा ही होगा जैसा पहले होता था। मान लीजिए सेम केस के लिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते 30 सेंटीमीटर पे, तो कैसा बनेगा, वही बनेगा जो पहले हम लोग किए। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो सपोज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ दिया हुआ है, मैंने इसको यहाँ ले लेता हूँ, ताकि इमेज फॉर्मेशन में हम दिखा सकें। और सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जो कि है 30 सेंटीमीटर, तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकल गया। अब गिवन क्या क्या चीज़ है, गिवन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है, तो 1/+40 दैट इज 1/v माइनस 1/-30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v क्या हो गया भाई साहब, 1/40 माइनस 1/30, सो 1/v इज इक्वल टू 120, 43 माइनस 4 दैट इज माइनस 1/120, दैट इज वी इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। देखिए सब कुछ वैसा ही आया है, तो इसको अलटने से चाहे पलटने से कुछ होने वाला है नहीं। इसको आप ऐसे ले लीजिए, इमेज यहाँ बना लीजिए, ये ऐसा इमेज बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, लिख लीजिए ये। और ये कहाँ होगा, 120 सेंटीमीटर पे। ओके, सो यू कैन डू दिस नाउ। इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो आप बना सकते हैं, लिख लीजिए, पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं प्लानो कनकेव पे। कई बच्चे बोलेंगे सर प्लानो कनकेव बता दीजिए, वो भी देख लीजिए। सपोज ऐसा, ये ऐसा अगर आ गया कोई लेंस और मटेरियल जो भरा हुआ है दैट इज 1.5, दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस, एंड सपोज C1 इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मान लीजिए लगे हाथ, यहाँ भी लिख ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे, तो V कहाँ बनेगा, तो V निकालने के लिए पहले F निकालना पड़ेगा। F पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला से, तो गिवन क्या क्या चीज है, R1 उस साइड है तो वो हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो अब उसको रख लीजिए, दैट इज 1 अपॉन f, दैट इज 1.5 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 इज हाउ मच, माइनस 20 और माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी,
एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सो दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 0.5 इंटू माइनस 1/20, सो यू कैन कैलकुलेट एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड दैट इज माइनस, एफ निकाल लिया मैंने, क्या आ गया माइनस 40 सेंटीमीटर। पहले यहां तक आप कर लीजिए, ओके यहां तक करने के बाद आते हैं लेंस फॉर्मूला पे। फिर लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1/v - 1/u, सो 1/f इज माइनस 40 इज इक्वल टू 1/v - 1/-30, सो इट इज 1/v इज इक्वल टू -1/40 और -1/30, यस आई थिंक इट इज करेक्ट, सो इट इज हाउ मच 1/v इज इक्वल टू 120 -3 और -4 दैट इज -7/120, सो v इज इक्वल टू यस दैट इज माइनस, सही है ना, दैट इज -120/7 सेंटीमीटर, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 × 7 लगभग 17 सेंटीमीटर, -17 के आसपास आएगा। तो इसका ये 30 है तो इसका कैसे बनेगा, देखिए अब ये 30 है और ये 20 है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ इमेज बनने वाला है, तो आप क्या करिए इसको ऐसे कर लीजिए और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा ऐसा इमेज, तो यहाँ से आप ये इमेज बनेगा आपका 17 सेंटीमीटर का। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब इसको भी ऐसे रखिए, चाहे पलट दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब लिख लीजिए इसको, चलिए एक बच्चे ने मेरे से एक और सवाल पूछा और काफ़ी अच्छा सवाल था, हालांकि वो टिपिकल ज़्यादा नहीं था बट कंसेप्चुअल था। वो क्या पूछा मेरे से कि सर अगर ये कन्वेक्स लेंस है और मान लीजिए रेडियस फेडियस कुछ भी हो इसका, इसमें हम कोई मटेरियल भरे ही नहीं, इसमें अगर हम कोई मटेरियल भरे ही नहीं, मतलब म्यू क्या है, म्यू है 1, मतलब जो इधर है वही, अगर कुछ नहीं बढ़ेगा तो एयर रहेगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो सर इसमें रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो देखते हैं। अगर हम इसका फोकल लेंथ निकालें तो कितना होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, म्यू माइनस 1 1/r1 - 1/r2। अब ये कुछ भी होगा अगर, तो सपोज करिए अगर यहाँ रखेंगे 1 - 1 और ये 1/r1 - 1/r2, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, अगर ये 0 हो गया तो पूरे को 0 कर दिया तो f क्या हो गया, इन्फिनिटी। f इन्फिनिटी किसका होता है, f इन्फिनिटी होता है प्लेन ग्लास सरफेस का, किसका होता है प्लेन ग्लास सरफेस का, तो प्लेन ग्लास में जब हम कोई रे डालते हैं तो सीधा निकल जाता है ना, आई बात समझ में, थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो था टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, आई थिंक आपको ये याद होगा। तो इस केस में टी अगर बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो ये टी जो है, ये मटेरियल का जो टी है, ये भी तो बहुत छोटा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी लगभग कुछ भी नहीं होगा, रे जो आएगा वो सीधा निकल जाएगा, मतलब इस केस में अगर कोई रे आ रहा है तो वो सीधा निकल जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है, द आंसर इज दिस। तो बड़ा ही अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल था, तो ये बात आप याद रखें। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट, जैसे एक और क्वेश्चन करना हो तो एक और क्वेश्चन कर लो, देखो सपोज एग्जांपल नंबर 7, अगर कोई दे दिया कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है मान लो ऐसा दे दिया और इसमें मटेरियल भरा हुआ है, वही म्यू इज इक्वल टू 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली 1.5 के आसपास ही होता है, मान लो ये पहला सर्फेस ये दूसरा सर्फेस, तो इन दोनों का रेडियस उसी साइड होगा,
तो मान लो दिस इज सी वन एंड दिस इज सी टू सपोज कर लीजिए एंड दिस इज ये गिवन है आर वन 20 और आर टू जो है वो 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जनरली इधर पुट करते हैं तो वो वाला जितना होगा सब पॉजिटिव होगा. इसमें बोला है फोकल लेंथ निकालिए क्या होगा, बस कुछ कोई दिक्कत नहीं है. तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 1 अपन आर वन, तो आर वन पॉजिटिव है, अब सब इधर ही है 20 माइनस, अब ये भी पॉजिटिव है तो 30, ठीक है. तो ये कितना हो गया 1/f इज इक्वल टू 0.5 दैट इज नाउ 60 20 थी आई तो हो गया 3 माइनस 30 तो ना, ठीक है. सो ये हो गया 1/f दैट इज 0.5 और हो गया 60 हो गया 1, तो f बराबर क्या हो गया 60 अपॉन 0.5. अब कैलकुलेट कर लीजिए ये 120 सेंटीमीटर आएगा वही प्लस में, ठीक है. अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर पे 40 सेंटीमीटर पे जितना हो निकालना हो निकाल लीजिए आप, इससे आप निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. यूजिंग लेंस चल सपोज दिया ही हुआ है, सपोज कर लीजिए कि ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अगर बोला गया इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा बताइए, आप लिख लीजिए उसको. इसका फोकल लेंथ आ गया प्लस 120 सेंटीमीटर, आप पॉज करके लिख लीजिए इसको. चलिए अब हम आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से. यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है u इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू प्लस 120 सेंटीमीटर. सो 1 अपॉन f इज हाउ मच, दैट इज 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर वन, सॉरी दिस इज नॉट. अब मुझे इसका जरूरत थोड़ी ना, मुझे इसका जरूरत है 1/v माइनस 1/u. सो क्या है 1/120 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-40 40 है ना, यस. सो 1/u इज इक्वल टू 1/120 माइनस 1/40, सो दिस इज 120 1-3 सो दैट इज -2/120 एंड दिस इज 60. सो v इज इक्वल टू हाउ मच, सो v इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज -60 सेंटीमीटर. इस केस में कैसा होगा, एक तो रे इधर से निकलेगा और इमेज कहाँ बनाएगा, कहीं ना कहीं 40 से पहले तो यहाँ पे है. अब यहाँ से ये जरूर जाहिर सी बात है कि बैक ट्रेस होके ही आया है. सो दिस इज बेसिकली इमेज, दिस इज 60 सेंटीमीटर. ये कैसे पता चला हमको इधर बनेगा, वहाँ माइनस आ गया इसलिए, ठीक है. इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है काफ़ी अच्छे ढंग से. इन सारे सवालों को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. चलिए ये सारी बातें हो गई, इसको ख़त्म करते हैं. अभी तक हम लोग जो है जनरली हम लोग पढ़ रहे थे रेयरर टू डेंसर में रेस जा रहा था, ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं डेंसर से रेयरर में और उसको मुख्य रूप से पढ़ेंगे जिसमें TIR वगैरह सब आएगा, ठीक है. तो उसको देखते हैं. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है डेंसर टू रेयरर. रेस कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर टू रेयर, मतलब लास्ट डेंसिटी से लोअर डेंसिटी तक जाएगा. तो देखिए वो कैसे जाएगा, ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए एक सरफेस है, व्हाट इज अ सरफेस, सरफेस इज एन इमेजिनरी बाउंड्री विच सेपरेट्स टू मीडियम्स, ठीक है. तो मान लीजिए ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, ठीक है. तो ये मान लो म्यू वन है और ये मान लो म्यू टू है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है. किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट दिया हुआ है ये आपको पता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है. तो सपोज कर लीजिए कि एक रे आया, अब ये डेंसर है, यहाँ दिया हुआ है कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, ये डेंसर है. तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो रेज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो कि आपको पता है ये ऐसे जाके ये नॉर्मल से आगे की तरफ जा रही है ये गया, ये मान लो आई है. तो ये क्या है, आर, ठीक है. और अगर डेविएशन देखा जाए तो क्या होगा, डेल्टा, डेल्टा हो जाएगा
आर माइनस आई, दिस आई थिंक दिस मस्ट बी आई, सो दिस इज आर माइनस आई, नथिंग बट आर माइनस आई, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, आपको पता ही है पहले से। खैर उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अब कहने का मतलब है कि आपको नहीं लगता कि ये अगर बढ़ते बढ़ रहा है तो आई अगर हम बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी ये इस पे भी ओवरलैप करेगा करेगा। तो मान लीजिए वो उस आई पे आते हैं हम, मान लीजिए दिस, और ये इस पे चलाया, बढ़ते बढ़ते ये इस सरफेस पे चलाया ऐसे। जब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, जब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इस रे के लिए कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, वो है यहां लिख रहे हैं सी, जिसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, अब बताइए अगर अभी हम सुधरे नहीं और इंसिडेंट रे को और बढ़ाए ये, तो क्या होगा, दिस इज आई, सपोज आई डैश कर लीजिए, आई डैश ग्रेटर देन सी, मतलब ये जो इंसिडेंस एंगल है वो तो सी से बड़ा है ना, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ना, तो क्या होगा। तो बेटा अब ये घूमते घूमते अपने ही मीडियम में चला आएगा, सॉरी ये ऐसा चलाएगा, ठीक है ना। तब इसको क्या बोलेंगे, ये अपने मीडियम में गया और अपने ही मीडियम में वापस चला, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो बॉड जो रे है वो अपने ही मीडियम में वापस चला आएगा, ठीक है, जिस और अपने ही मीडियम में आने के फेनोमेना क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, यानी कि उसके बाद वो रिफ्लेक्शन करेगा। तो सी से पहले, सी से कम अगर आई था तो क्या हो रहा था, देखिए आई सी से कम था तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, आई इज इक्वल टू सी था तो रिफ्लेक्टेड रे इज ऑन बाउंड्री, बाउंड्री या सरफेस, और आई डैश जो ग्रेटर देन सी था तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। एक बात आप हमेशा याद रखिए लाइफ में, लाइफ में क्रिटिकल वर्ड जब भी आ जाए, क्रिटिकल का मतलब होता है कुछ ऐसा क्रिटिकल जिसमें कि जीने मरने की स्थिति हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल एक आम वर्ड नहीं है, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है जिसको बहुत, जैसे अब एक आदमी है जो अंतिम सांस में, दैट इज क्रिटिकल विथ हिम, ठीक है ना, वो क्रिटिकल है, दैट इज क्रिटिकल, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि ठोकर लगा और थोड़ा सा मतलब गड़बड़ा गया और हम गिरने वाले हैं, दैट इज नॉट क्रिटिकल। जीने मरने का केस हो जाए दैट इज क्रिटिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां सर ऐसा क्या क्रिटिकल है, यहाँ क्रिटिकल है, यहाँ देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फेनोमेना ही चेंज हो जा रहा है, एंड दिस इज क्रिटिकल अबाउट इट, है ना, दैट इज वाई दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, नथिंग एल्स। तो ये सारी बातें आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इस पर PhD कराते हैं आपको। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और इसको लिखना शुरू कीजिए। अब व्हेन अ रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, then at critical angle, at critical angle a reflected ray overlaps with surface, ठीक है। पहली बात तो ये लिख लीजिए, after that if incidence angle
इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आई थिंक क्रिटिकल एंगल देन क्रिटिकल एंगल देन रेज कम्स बैक टू द सेम मीडियम, टू द सेम मीडियम एंड दिस फेनोमेना फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिख लीजिए। इसी फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन दैट फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, सो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हालांकि बहुत बच्चे नहीं पूछते हैं बट फिर भी मेरा बताना फर्ज है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस फिनोमेना को सिर्फ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बोलते हैं? व्हाई वी आर एडिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्यों बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या वजह है इसको बोलने का? तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ, समझे? ओके, चलिए समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए कि ये ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई लाइट इंसिडेंट हुआ है, तो एक्चुअली में एक्चुअल जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है कि कुछ लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट करेगा सरफेस से। ये मान लीजिए रेयरर है और ये डेंसर है। ये सपोज म्यू वन एंड म्यू टू, दिस इज म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, मतलब ये रेयरर और ये डेंसर है इस केस के लिए। तो ये कुछ रिफ्रैक्ट करेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा ही होता है रियलिटी में, यही होता है। और कुछ एब्जॉर्ब होता है, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा और कुछ एब्जॉर्ब भी होगा। ये मटेरियल जो होगा कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, जरा सोचिए, मान लीजिए ये आईना है और यहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लगा दिया यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा आईना। लेकिन आईना के पास कुछ ना कुछ मोटाई तो होता है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे इस पर गिरा, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई? तो घटनाएं ऐसी कुछ हुई कि यहाँ पे जब ये पड़ा, तो पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट किया, कुछ ट्रांसमिट किया, कुछ एब्जॉर्ब किया, मतलब 100% रेज रिफ्लेक्ट नहीं हुए। कुछ ट्रांसमिट करा गया, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना? यही अंतर है इन दोनों में। सपोज कर लीजिए कि ये अगर ऐसा है, और मान लीजिए कि इसमें से अगर ये म्यू टू है और ये म्यू वन, अगेन द सेम थिंग, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, कि अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है और वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, कोई भी रे ना बाहर जाएगा, और बाहर गया ही नहीं तो एब्जॉर्ब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कि जो रे इंसिडेंट यहाँ गया है 100%, यानी कि 100% जो एनर्जी इधर से इंसिडेंट हुआ है वो 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हुआ है। That is why it is called total internal reflection. ये पूरा का पूरा आया इसलिए टोटल, और इंटरनली हो गया, दैट इज वाई इट इज इंटरनल, और रिफ्लेक्शन तो ये है ही, दैट इज वाई द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड हियर, ठीक है। तो कोई कहे कि हमको अगर एनर्जी भेजना है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो मुझे किसका यूज करना चाहिए, रिफ्लेक्शन का यूज करके भेजना चाहिए या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके भेजना चाहिए? तो आंसर इज
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही यूज़ करके भेजना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है TIR के नाम से बहुत फेमस है, तो हम लोग भी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी नाम से फेमस है, और TIR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी TIR का बहुत यूज़ है। जैसे आपका जो इंटरनेट चलता है दैट इज़ ऑन बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर, वो ऑप्टिकल फाइबर से बेसिकली इंटरनेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझिए छोटे से भाषा में आसान शब्दों में इंटरनेट क्या है। जैसे सपोज कर लिए कि दो कंप्यूटर है और दो कंप्यूटर के जोड़ दें तो उस कंप्यूटर का डाटा हम देख सकते हैं और उस कंप्यूटर का डाटा हम देख सकते हैं। तो ये छोटे प्लेटफॉर्म पे है, तो अगर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है, सपोज करिए अपना इंस्टीट्यूट है, और अगर 10 कंप्यूटर है विद इन द इंस्टीट्यूट और 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड लैन हब कनेक्टेड है, तो हम हर एक सिस्टम को रीच कर सकते हैं अपने सिस्टम पर बैठ के, या किसी भी सिस्टम पर बैठ के कोई भी बाकी के 9 सिस्टम को वो रीच कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन भी बोलते हैं इसको, इंट्रानेट बोलते हैं। और जब पूरा ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम एक चीज एक कंप्यूटर में जो है वो हम दूसरे जैसे कोई USA में अगर किसी कंप्यूटर में है तो हम अपने जगह भी देख सकते हैं उसको। दिस इज जो बड़े स्तर पे हो गया, ग्लोबली हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, यही इंटरनेट है जो आप यूज करते हैं। एंड अनदर वन इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट भी होता है जिसमें कि स्पेस के कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। तो छोटा सा एग्जांपल है। तो इन सब जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही किया जाता है, खूब सारे ऑप्टिकल फाइबर बिछे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने वैसे भी सुना होगा, टेलीफोन वगैरह में भी यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली? ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस विच ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? प्रिंसिपल इज TIR। ओके, आई विल शो यू, लिख लीजिए इसको। अब TIR पे बेस्ड जो है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो सब कुछ कुछ देखते हैं। TIR, ठीक है, पहला और प्राइम यूज जो है उसका वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा होता है जैसे एक वायर है जिसमें एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल चढ़ाया गया होता है। सपोज करिए ये एक मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल है, ठीक है, और इस ये जो मटेरियल है और देयर इज अनदर मटेरियल दिस वन, ये बेसिकली होता है ऐसा है, मतलब एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल चढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू वन और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू टू, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके कैलकुलेशंस पे नहीं जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आपको उतना पढ़ना भी नहीं है, बट छोटा छोटा हम आपको बस चीज़ें बता देते हैं, ये ऐसा केस है, ठीक है। और दूसरी बात, दिस म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, पहली बात तो ये, ठीक। अब इसको समझते हैं थोड़ा, पहले तो एक्चुअल फिगर ये है, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं कोर और इसको बोलते हैं क्लैडिंग। छोटी छोटी बात है, बस इंट्रोडक्शन के लिए हम आपको बता रहे हैं बस, तो डरना नहीं है इसका, वैसे भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ना नहीं है, चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ बट काम का नहीं है वो सब फालतू चीज़ें।
सपोज करिए, तो कोई रे अगर, कोई रे मान लीजिए, कोई रे अगर यहां पे गया, यहां क्या है एयर, यहां क्या है एयर, तो कोई रे मान लीजिए यहां गया, जिस एनर्जी को हमको भेजना है, तो पहले हम क्या कर लिए उसको, जिस एनर्जी को भेजना है उसको लाइट बना लिए। अब जैसे बात करते हो, क्या होता है बात करते हैं तो आप जो बोलते हो तो योर साउंड एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया तो फिर हम उसको यहाँ पे दिए, और यहाँ दिए तो क्या हुआ, ये ऐसे गया रिफ्रैक्शन होके, उसके बाद क्या हुआ कि हम ऐसा इसमें सेटिंग करते हैं कि ये जो इंसिडेंट होगा ना, जिसको एक न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं, कि इस एंगल में ही हमको भेजना है, ऐसे एंगल पे, मतलब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है वो हम ऐसे सेट करते हैं कि यहां पे जो भी इंसिडेंट एंगल बनेगा ना वो ग्रेटर देन सी होगा, वो सी से ज्यादा होगा, और सी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये अपने ही ऐसे चलाएगा, और चलाएगा तो आप देखिए, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर ये अगर आई है तो पैरेलल लाइन से ये, तो फिर ये आई, तो फिर ये, अगर इसके लिए ये आई सी से बड़ा है तो ये भी आई तो सी से बड़ा ही होगा ना, ये भी क्योंकि मटेरियल तो वही है, फिर ये ऐसे भागा, तो ऐसे करते करते फिर ये जहां भी हमको भेजना है ऐसे करके फिर वो निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहां से हम एनर्जी सेंड किए और यहां पे हमको क्या रिसीव हुआ, लाइट एनर्जी, तो दूसरा आदमी क्या रिसीव करेगा, अब सोचिए उसका मशीन क्या रिसीव किया, लाइट एनर्जी, फिर एक ट्रांसड्यूसर लाइट एनर्जी को फिर किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके फोन के थ्रू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो आप साउंड भेज के साउंड सुन सकते हैं, तो यही बेसिकली मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो दूर तक एनर्जी को सेंड करने का सबसे अच्छा जरिया है ऑप्टिकल फाइबर। बताइए इसमें कितना परसेंटेज लॉस हुआ आपका, कुछ नहीं, पूरा का पूरा पहुंच गया। ऑप्टिकल फाइबर कैन वर्क अप टू 100% एफिशिएंसी, इज दिस ओके, लिख लीजिए इसको, दिस आर द ऑप्टिकल फाइबर्स, लिख लीजिएगा, दिस डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वन प्लेस टू अदर विद द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ TIR। प्रिंसिपल ऑफ TIR लिख लीजिए, ये बेसिकली है। खैर एप्लीकेशन हम थोड़ा सा और भी आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए, हम लोगों ने ये नहीं देखा है, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि एक सरफेस है, तो ये म्यू, ये छूट गया था, ये पहले होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, आप कॉपी में सही कर सकते हो, इसको पहले कर लीजिए, एप्लीकेशन बाद में करिए। ठीक है, बट ये करना जरूरी है इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो सब एंड म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, सपोज व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन कैसे करें। तो मान लीजिए ये है क्रिटिकल एंगल आपका, अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो जाहिर सी बात है वो इसी पे आएगा सरफेस, जिसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर इसको हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, विद द यूज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज सी, दैट इज म्यू वन इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन 90, एंड साइन 90 इज हाउ मच,
वन. सो व्हाट इज साइन सी? साइन सी इज म्यू टू अपॉन म्यू वन. ये ठीक है. तो यहां से हम निकाल सकते हैं. और इसको लिखने का तरीका है कि अगर हमको सी लिखना पड़ेगा तो साइन इनवर्स, हालांकि ये नहीं जानते हो गया, बट ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, पढ़ लेंगे तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा. लिख लीजिए चलिए. इतना पढ़ने के बाद एक चीज हम देखते हैं कि सर एक बात बताइए, यहां पे तो आप लिख दिए, बार बार हमको यही करना पड़ेगा क्या? बार बार लिख के तभी एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा? आंसर है नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है. कैसे? साइन का कोई भी वैल्यू जो होता है, मान लीजिए कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन का कोई भी वैल्यू वन से छोटा होगा या बराबर होगा, या माइनस वन से बड़ा होगा या छोटा होगा. तो माइनस वन से माइनस वन पे तो जाना ही नहीं है, जीरो के बाद का ही बात करिए आप, तो वन से छोटा ही होगा. जनरली क्या होता है, वन से छोटा ही होता है. तो वन से छोटा कब होगा? जब ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा. तो आप क्वेश्चन देख के भी ये बात लगा सकते हैं कि अगर इसको वन से छोटा रखना है तो जाहिर सा बात है न्यूमरेटर वन, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ेगा, तभी ऐसा केस पॉसिबल है. तो आप देख के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, इस केस में मान लीजिए फॉर अ केस ये कोई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है और यहां पे ये एयर है. ठीक है, तो उस केस में सी कितना होगा? तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइन सी. अब किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा ही होगा, तो साइन सी इज वन ओवर म्यू. सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपन म्यू. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. लिख लीजिए इसको. पॉज करके लिख लीजिए आप. चलिए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं. एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इस वाले मतलब डेंसर टू रेयर का एक एग्जाम्पल कि सपोज एक म्यू दिया हुआ है रूट टू, ठीक है, और ये एयर है. ये एयर कुछ नहीं दिया हो तो भी हम एयर ही मान के चलते हैं. इस केस में बोला गया कि सी कैलकुलेट करिए कितना होगा, तो कोई खास बात थोड़ी ना है. सी कितना हो जाएगा? तो साइन सी, सी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू. अब आपको पता है कि साइन थीटा वन बाई रूट टू कब होता है? 45 डिग्री पे. नहीं, इस कॉम्बिनेशन का सी कितना है? 45 डिग्री. हर एक कॉम्बिनेशन का अपना अपना सी होता है. अगर ये म्यू कुछ और होता तो वैल्यू कुछ और होता. तो इस कॉम्बिनेशन का सी कितना है? 45 डिग्री. मतलब अगर कोई रे 45 डिग्री से ज़्यादा इंसिडेंट एंगल बनाता है तो वो टी आई आर करेगा. सपोज इंसिडेंट अगर 50 डिग्री होगा तो टी आई आर करेगा. इंसिडेंस अगर 40 करेगा तो टी आई आर नहीं होगा, वो उधर जाएगा, रिफ्रैक्शन करेगा. आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. लिख लीजिए. ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं. हर एक पेयर का, हर एक पेयर का एक क्रिटिकल एंगल होता है, हर एक पेयर का. चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं इफ यू वांट. कि अगर मान लीजिए ये है, ये एयर मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये म्यू ऐसा है. तो एक केस ऐसा है, दिस इज आई, और हम यहां दे रहे हैं कि आई इज लेस देन सी, तो क्या रिफ्रेक्शन होगा? आंसर बिल्कुल होगा. तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? दैट इज आर माइनस आई. इसमें कहीं से कोई लोचा नहीं है. ठीक. अच्छा, अगर ये सी रहेगा तो वो ऐसा जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? रे तो ऐसा जा रहा था ना, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी दिस वन. ये रे यहां से यहां डेविएट कर गया. दिस डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज यू कैन से दिस इज आई, यानी कि
इस पूरे में से अगर ये घटा दे, मतलब पाई बाई टू माइनस आई कर दे, तो निकल जाएगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये इससे बड़ा रहेगा तब तो ये इधर आएगा, क्योंकि इसको रिफ्लेक्शन करना है। तब डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो दोस्तों वही वाला जो पहले हुआ करता था, दिस इज डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू सी, दिस इज डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू आई, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, दिस इज डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू आई, दिस इज डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू सी, एंड दिस इज, और सपोज दिस इंसिडेंस एंगल इज आई डैश, और इट इज गिवेन दैट आई डैश इज ग्रेटर देन सी। तो ये डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? दिस इज डेल्टा आई डैश, ये क्या होगा? तो ये वही होगा दोस्तों जो पहले हुआ करता था। रे जो है, एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। ये रे जो है ये ऐसा चल रहा है, ये 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 ये, ठीक है। तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे निकलेगा, ये रे ऐसा जा रहा है ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ये होगा। होगा भाई पाई बाई टू माइनस आई, क्योंकि इस केस में सी ये है ना, तो ये जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल में, दिस वन मीन्स दिस इज दिस वन, ये और ये रे में, ये वाला, तो दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा सी। तो अगर पूरे में से पाई बाई टू में से अगर ये घटा दे तो दिस वन कम्स, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप अलग अलग फिगर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो अलग अलग फिगर बना लो। देखिए पहले वाला तो समझ में आ गया होगा, सपोज इफ दिस इज सी, ये रे ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पाई बाई टू, और दिस इज व्हाट सी, तो ये कितना हो गया, दिस इज डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू सी, दैट इज पाई बाई टू माइनस आई, आप देख सकते हो, ठीक। पाई बाई टू माइनस सी, सॉरी दिस इज सी, उस समय इंसिडेंस एंगल क्या है, सी। ये दूसरा केस, अब तीसरा केस, आई डैश, तब तो ये ऐसा आएगा, बिकॉज आई डैश इज ग्रेटर देन सी। तो इस केस में ये रे ऐसा जा रहा था, तो इस केस में ये डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा आई डैश कोरस्पॉन्डिंग, वो कितना होता है? तो ये तो सर रिफ्लेक्शन वाला है ना, ये अगर आई है तो ये पूरा हो गया पाई, और इस पाई में से अगर ये दोनों एंगल घटा दे मतलब टू आई, यानी कि पाई माइनस टू आई डैश, तो ये होगा सर हमारा डेल्टा, ठीक है। तो इंसिडेंस एंगल घटेगा, तो देखिए अब यहाँ पे हम समराइज कर देते हैं, डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू आई इज हाउ मच, आर माइनस आई, ठीक है। डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू सी इज व्हाट, पाई बाई टू माइनस सी, एंड डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू आई डैश इज व्हाट, दैट इज पाई माइनस टू आई। ये देखो दोनों चेंज हो रहा है, आई बात समझ में, लिख लीजिए इसको। चलिए ये है बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे आ गया, इसमें ग्राफ भी है, बट आपके सिलेबस में ग्राफ वराफ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, बहुत ही गंदा ग्राफ है, ट्वेल्थ में पढ़ना होता है बेसिकली, ठीक है। यहां देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बेसिस पे, इस वाले पे एग्जांपल नंबर टू, यानी कि इस केस में पहला एग्जांपल हम कर चुके हैं, ये मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है। अरे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, दैट इज
रूट टू टू वन। अब आपको समझ में आ गया मीडियम। देन एट आई इज इक्वल टू, मीन्स आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज 50 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। ये बोला गया कैलकुलेट करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहने का मतलब है डेल्टा हम क्या लगाएं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन फॉर्मूला है, क्या लगाएं? इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि आई किस में लाई करता है, आई इसमें लाई करता है, आई इसमें लाई करता है, या आई इसमें लाई करता है। ठीक, आई डैश ग्रेटर देन सी एट सी एट आई लेस देन सी, ऐसा लिख लीजिएगा ताकि समझ में आए एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मीडियम बना लीजिए, ये है रूट टू, ये है वन, इसमें इसका सी कितना हो जाएगा आपको पता है, अभी तो निकाला था कि साइन सी इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। वैल्यूज इसलिए ऐसा लेते हैं ताकि आसानी से आ जाए और आपको भी ऐसा ही आएगा, ये है ठीक। लेकिन अब इससे ज़्यादा है ना, वो तो 50 दे रहा है, तो 50 जो दे रहा है तो ये रे जाना तो ऐसे जा रहा था लेकिन वो लौटेगा ऐसे, तो इस केस में डेल्टा कितना होगा? तो भाई साहब ये तो इस कैटेगरी में लाई करता है, तो अब बस आप लिख दीजिए यहाँ पे कि डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा में आई क्या है, ग्रेटर देन सी है, सो द फॉर्मूला इज पाई माइनस टू वाई एंड दैट इज 180 माइनस टू इंटू 50, दैट इज 80 डिग्री। इस केस में अगर डेंसर से रेयर गया तो ये चेक करना पड़ेगा, वरना रेयर टू डेंसर अगर जाता है तो हर केस में यही होता है, जैसा कि आपको पता है, हम पहले ही बता चुके वो आई माइनस आर हो जाता है, उस केस में टीआर का खतरा नहीं है। खतरा है कब, जब डेंसर से रेयर में जाएगा वो, रेयर से डेंसर में सोचने की बात ही नहीं, वो तो आई माइनस आर हर केस में होगा। बट जब हम डेंसर से रेयर के केस में आएंगे तो खतरा है टीआर का, वहां पे हमको चेक करना पड़ता है। तो हो सकता है ओलंपियाड में कभी आपसे पूछ रही है, आपको हो सकता है कंफ्यूज करना चाहे, हो सकता है ये नहीं पता हो, ये चेक करना चाहे वो, ये है पता कि नहीं आपको, लिख लीजिए। चलिए ये सारी बात हो गई, छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट बात है डेंसर टू रेयर में, टीआईआर के लिए हमको ये सारी चीजें बतानी थी। अब हम आते हैं एक फिनोमेना, फिर आ जाते हैं उसी टॉपिक पे, एप्लीकेशन। अब हम इसको पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन में मैंने एक पढ़ा दिया ऑप्टिकल फाइबर। अब आ जाइए एक और ले लीजिए, कौन सा ले लें, हाँ चलिए मिराज पे आ जाते हैं। मिराज, मिराज क्या है भाई? तो मिराज एक फेनोमेना है, इट इज अ फेनोमेना वेयर वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इट इज अ फेनोमेना इन विच, ऐसा लिखिए ज्यादा बेटर है, इन विच We can see object objects image where it is actually not present. Actually क्या होता है कि ये वहां पर image हमको दिखाता है जहां पर actually है ही नहीं। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हो गर्मी में जा रहे हो कहीं पे, तो दूर रोड पे आपको पानी दिखेगा बट वहां पानी होता नहीं है एक्चुअली में, दैट इज कॉल्ड मिराज, वो मिराज इफेक्ट है ठीक है। और ये भी टीआईआर पे बेस्ड है। अब जैसे शिप्स पे घूमोगे तो कई बार आपको ऐसा नजर आएगा कि एक उल्टा शिप नजर आ रहा है ठीक है ना, जहां पे वो है नहीं, वो आसमान में लटका हुआ नजर आ रहा है बट वहां पे वो होता नहीं है ठीक है ना। ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब टीआईआर की वजह से हो रहा है ठीक है ना। टीआर क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि देखिए मैं बताऊं, जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो एयर जो है आपका हल्का होता चला जाएगा, मतलब डेंसिटी घटता चलेगा,
मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ आप जाओगे तो एयर का डेंसिटी क्या होता है, घटता जाता है। मतलब नीचे डेंसर है, ऊपर एयरर है, तो डेंसर से रेयर तक घटता चलेगा। तो यानी कि अगर शिप से कोई रे, शिप तो नीचे ही है ना, शिप से अगर कोई रे ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाहिर सा बात है कभी ना कभी वो लौटेगा नीचे। तो वही रे जब हमको दिखेगा मेरे आँख में तो हमको वहाँ पे उसका इमेज दिखाई देगा जहाँ पे वो नहीं है। यही फेनोमेना है मिराज का, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ TIR, ठीक है। सो मान लीजिए कि पानी का केस देखना है तो ये देख लीजिए, ये पानी है, ठीक है, और ये कहीं ग्राउंड है। तो यहाँ से जो रे आया तो ऊपर गया तो कहीं ना कहीं तो इसको, इसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ होगा और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये आपको आया। और मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आपको पानी जो है वो इधर कहीं पर नज़र आएगा, ये आपको पानी दिखाई देगा, ठीक है। तो कई बार लोग रेगिस्तान वगैरह में मिराज को देख के पता करते हैं कि आसपास में कहीं ना कहीं पानी अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, ऐसा और भी केस देख लीजिए। तो पहला केस है, ठीक है, इसी में आपको जमीन पे पानी दिखता है वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि ये ना दिखे आपको, आप दूर खड़े हैं तो इसका इमेज तो यही बनेगा ना यहाँ पे, बट यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, आप दूर खड़े हो, यहाँ से जो रे निकला आप यहाँ खड़े हो और यहाँ आपको दिखाई दिया, इससे जो रे टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद जो निकला तो वो आपको यहाँ पे पानी दिखाई देगा। या तो आपको पानी ऊपर में कहीं ना कहीं देखते ना ऐसे 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 नज़र आता है, तो वहाँ पे मतलब मान लीजिए पानी अवेलेबल है, या फिर पानी का इमेज वो यहाँ बनाएगा और यहाँ से जो रे निकल के गया आपकी आँखों में तो आपको लगेगा पानी यहाँ है ना कि यहाँ पे है। तो आप यहाँ देख के समझ जाओगे कि पानी कहीं ना कहीं आसपास में ही अवेलेबल है, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए ये सारी बातें, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मिराज। मान लीजिए एक और केस देखते हैं, मान लीजिए कि ये वाटर सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक शिप अवेलेबल है, यहाँ पे एक शिप अवेलेबल है, ये, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो एक रे जो यहाँ से निकला, वो इसकी आंखों तक पहुँचा, क्योंकि TIR रोके गया इधर से इधर तक, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट रहा है, तो कहीं ना कहीं तो TIR होगा ही ना, ठीक है। जैसे एक बात बताइए, ऐसे 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 मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से रेयरर है तो थोड़ा सा ये एंगल बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गया थोड़ा और एंगल बढ़ा, तो कहीं ना कहीं तो ये एंगल जो है C से ज़्यादा हो ही जाएगा जहाँ से वो पलट जाएगा, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई दिया आपको, ठीक। अब मान लीजिए एक और रे गया, ये तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये रे कहीं ना कहीं, अब ये रे कभी मिलने वाला है नहीं, तो आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं रे ऐसा आ रहा है, ये है आपको, हाँ ये ऐसा रहा ना, यहाँ पे ऐसा इमेज इसका दिखाई दे, ये ऐसा। अब उल्टा भी दिख सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये शिप आपको सीधा भी दिख सकता है, ये शिप उल्टा भी दिख सकता है। एक्चुअली पॉइंट वाली बात ये है कि ये एक्चुअली यहाँ पे है नहीं फिर भी दिख रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मिराज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मैं बताऊँ आपको, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ पे सीधा ही दिखेगा, वो उल्टा भी दिख सकता है। कैसे उल्टा दिखेगा मैं दिखाता हूँ आपको, देख,
तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक रे निकला और आदमी यहाँ खड़ा है बेचारा, ये ऐसा गया और यहाँ से जो रे निकला ऐसा गया, ठीक है, जा सकता है रे, रे रे अपने मर्जी से चलेगा, हमारे मर्जी से नहीं चलेगा। तो इसका इमेज ये और इसका इमेज ये, तो ये किसके वजह से है, इसके वजह से। ये आपको उल्टा दिखा, उल्टा भी दिख सकता है, सीधा भी दिख सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब उल्टा सिर्फ दिखे इसका मतलब वो मिराज इफेक्ट है। ये भी दिखा, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे दिख रहा है अगर कुछ, देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मिराज इफेक्ट, ठीक है। वो हम लोग डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख लीजिए, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मिराज। सो ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना रहने देते हैं आज, नेक्स्ट टाइम हम लोग रेनबो वगैरह देखेंगे। रेनबो वगैरह भी टी आई आर पे बेस्ड है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रिज्म पे चलेंगे, ठीक है, और देन आफ्टर ह्यूमन आई, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो इसको रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। थैंक यू।